जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में आज एक बार फिर से वैक्से लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करते हैं। क्या जरूरत आप पड़ी है एक बार फिर से वैक्से लाइफ केयर को डिस्कस करने की? आप स्पष्ट देख सकते हैं जरूरत ये है। यहाँ पे जो तेजी आप देख रहे हैं, तेजी के पीछे की वजह क्या है? तेजी चार्ट पर भी बनते हुए दिख रही है, सिर्फ प्राइस में ही नहीं। और क्या ये तेजी सस्टेनेबल है कि नहीं, और आने वाले समय मतलब कुछ समय तक तेजी बनी रहेगी या नहीं, इसके बारे में बात होगी। साथ में बात यह भी होगी कि लंबी अवधि में निवेश के लिए ये कंपनी कैसी है जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, और जिनका ओवरऑल पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग कंपनी के काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो वैक्सिया लाइफ लिमिटेड है अब मल्टीपल बिजनेसों में कूदा हुआ है। जैसे देखेंगे तो केमिकल के सेक्टर में कंपनी कामकाज करता ही है। और कल जब मैंने विकास इकोटेक के ऊपर वीडियो बनाया था तो आपको मैंने जो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री का मैंने महत्व आपको बताया था। तो इस हिसाब से भी वैक्सिया लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केमिकल के अलावा देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ भी कंपनी बनाती है। तो आपको पता है कि जो FMCG कंपनियां हैं या जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनका डिमांड तो हमेशा रहेगा। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जो कंपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, खाने पीने की चीज़ें बनाती है, या जो केमिकल सेक्टर में काम करती है, इनका डिमांड हमेशा रहेगा। और काम के बेसिस पर कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी हमेशा बना रहेगा। तो काम तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बढ़िया है। चलिए कंपनी का फंडामेंटल समझते हैं। तो तकरीबन 136 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। एक छोटी कंपनी है, स्टॉक का पी छोटी कंपनियों में सामान्यतः नदारद होता है, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे कंपनी का तकरीबन 2.05 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है। अच्छी बात यह है कि बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है। हमेशा बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हालांकि ये तो ऐसी कंपनी नहीं है कि आने वाले समय में डिलिस्ट होने जा रही है, लेकिन मान लीजिए यदि कोई भी कंपनी फ्यूचर में जब डिलिस्ट होती है ना, तो बुक वैल्यू से यदि शेयर प्राइस ज़्यादा होता है तो शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, ताकि उनका रुपया रिटर्न हो सकता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी और यदि ROCE की बात करें तो तकरीबन 1-1% से कम है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ये जो है ROE निगेटिव में नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनका ROE निगेटिव में होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, दोनों काफ़ी बढ़िया लगा। कंपनी के काम और फंडामेंटल, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में वैक्सीय लाइफ केयर में लंबी अवधि में भी तेजी बने रहेंगे, चांसेज रहेंगे। अब चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कहाँ पर करेगा, जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए। अभी देखिए 1 साल के चार्ट पर आए हुए हैं, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देखिए 1.80 रुपये का, इसके लिए रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि कई बार नीचे से प्राइस ऊपर गया है, और फिर सपोर्ट इसलिए क्योंकि यहीं पर बार बार आगे प्राइस इसका सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए अभी क्या है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इस लाइन के आराम से ऊपर चल रहा है, और ऊपर चल रहा है तो देखेंगे कि इससे भी ऊपर निकलने लगा है। 2 रुपये से भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी कि चार्ट पर तेजी के संकेत हैं। इसे कहते हैं तेजी आना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन ये इजिली ये जो 2.20 रुपये का लेवल है, इसको इजिली ब्रेक कर लेगा, क्योंकि 2.20 रुपये के लेवल के पास आप देखेंगे जब जब कंपनियों का शेयर प्राइस यहाँ पे, इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे आया है, इजिली इसको ब्रेक कर लिया है। नीचे से देखिए यहाँ से ब्रेक कर लिया, अब यहाँ ऊपर से मत देखिएगा, यह नीचे से देखिए, यहाँ नीचे से देखिए, 2 बार ब्रेक कर लिया, और तीसरी बार फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठ रहा है। तो तीसरी बार में प्राइस ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ही देता है, तो यहाँ से इजिली इसको ब्रेक करेगा। और इस बार जब ब्रेक करेगा तो कम से कम 2.80 रुपये 3 रुपये के लेवल तक के लिए डायरेक्ट ये आ सकते हैं। मैं डायरेक्ट की बात करूँ, एक मतलब यहाँ पे यदि आकर रेजिस्टेंस के पास कुछ समय बिताता है और इसको ब्रेक करते हैं, तो इजीली ये 3 रुपये के लेवल तक आ जाएगा। यानी कि यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में, तो आप इजीली 3 रुपये तक के लेवल के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए जा सकते हैं, यदि प्रॉफिट बुकिंग पर आपका ध्यान है। हालांकि मैं तो कहूँगा छोटी कंपनी में समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। और कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, तो जैसे कंपनी का शेयर प्राइस 2.20 रुपये के लेवल के आसपास आए, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे आके समय बिताने लगे, समय बिता प्राइस ऊपर निकलते हुए दिखे 2.20 रुपये से, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा भले महंगा मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ उठाएंगे तो इजीली आपको 3 रुपये तक प्राइस जाएगा, 3 रुपये 3.20 रुपये तक, और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको, इसमें अच्छे तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे BSE इंडिया की वेबसाइट पे आए हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड को यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी अभी भी ASM की कैटेगरी में है। हालांकि ASM की कैटेगरी कुछ खास कैटेगरी नहीं होती, और ये उतनी चिंता की बात नहीं होती। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अपडेट निकल कर ये सामने आया है कि इसमें जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज कर दिया गया है।
ट्रेडिंग विंडो तब क्लोज होता है जब उसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला होता है। और आपको पता है कि अभी सभी कंपनियों के दिसंबर क्वार्टर के यानी कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसके भी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए इसमें इसका ट्रेडिंग अभी रेस्ट्रिक्टेड करती है, ट्रेडिंग इसमें नहीं हो रहा है। वहीं पर यदि हम कंपनी के बैलेंस शीट को थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है वो आप देखेंगे तो समय के साथ इंक्रीज हुआ है। पहले हालांकि 61 करोड़ के आसपास था, अभी बढ़कर देखिए 66 करोड़ के आसपास और ये हो गया है। इसके अलावा जो कंपनी के पास रिजर्व होता है, जो कैश पैसा होता है, वो देखिए वो भी पिछले कुछ दिनों में आपको बढ़ते हुए दिखा है। साथ में जो कंपनी का कर्जा है जिसको बोरो कहते हैं, वो देखिए कम होते हुए दिखा है। तो जाहिर सी बात है कर्जा कम होना चाहिए, समय के साथ कर्जा कम हो रहा है और जो फ्री कैश फ्लो है, जो कैश पैसा है कंपनी के पास, वो बढ़ रहा है। साथ में कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल, जो शेयर्स के रूप में कैपिटल, वो भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। यानी कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल समय के साथ मजबूत हो रहा है। और जैसे मैंने बताया जो कंपनी काम करती है उसके बेसिस पर भी कंपनी का शेयर प्राइस लंबी अवधि में और ऊपर ही जाएगा। तो ओवरऑल एवेक्सिया लाइफ के लिए एक बढ़िया स्टॉक से फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए इस पर ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में दी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे ऐड करने के बारे में आप जरूर विचार कीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।